हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। आई एम रुचिका, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, यहाँ पर आज हो रही थी काफ़ी अच्छी सी बारिश, तो मैं आ गई हूँ अपने प्लांट्स को देखने, जिन्हें देखकर जो है काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। और बारिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही थी, तो मेरा मन किया तो मैं बस यहाँ चली आई। और आप, मैंने जैसे कि आपको अभी दिखाया कितनी मतलब ज़ोरों से बारिश हो रही थी, तो मुझे ना अपने जो मेरी किचन वाली बालकनी है उसकी क्लीनिंग करनी थी। बट गर्मी की वजह से मतलब मैं रोज़ उसको टाल ही देती थी। और अभी आप इसकी जो है कंडीशन भी देख सकते हैं, मतलब बिल्कुल वॉश्ड कंडीशन हुई रखी थी इसकी। तो मैं रोज़ सोचती थी बट गर्मी की वजह से हिम्मत नहीं होती थी। तो आज जो है मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना चलो आज इसकी जो है क्लीनिंग ही कर देती हूँ। तो उससे पहले मैंने अपने सारे घर की जो है क्लीनिंग वगैरह सब अच्छे से मोपिंग डस्टिंग वगैरह सब कर दी थी, उसके बाद ही मैं यहाँ पर आई थी। और मैंने शावर नहीं लिया था। तो किचन की जो बालकनी होती है गाइस, वो एक ऐसा एरिया होता है जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आती है। बट एक प्रॉब्लम ये होती है कि वो छोटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मेरी किचन की जो बालकनी है वो काफ़ी छोटी है। और उसके साथ ही यहाँ पर जो है हमारे लिविंग रूम में जो एसी लगा हुआ है, उसका क्या बोलते हैं ये मुझे नहीं पता, वो भी यहाँ पर रखा हुआ है जो स्प्लिट एसी का होता है। तो मतलब उसने और ज़्यादा जो है जगह यहाँ पर जो है कवर कर ली है, तो मेरी बालकनी जो है और ज़्यादा छोटी हो गई है। तो आप देख सकते हैं मेरा कैमरा भी जो है अच्छे से इसमें नहीं आ पा रहा था, तो मैंने इसलिए दूर से ही उसे शूट किया। तो गाइज़ एडजस्ट कर लेना। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जो जितने भी मेरे कार्टन वगैरह हैं जो मतलब यूज़ में नहीं आते थे और मैंने उन्हें क्वारंटाइन के लिए रख रखा था, तो वो सबको जो है मैं एक बड़े से बैग में पैक कर दूँगी और उन्हें जो है फिर जब बाहर कूड़ा रखती हूँ तो मैं इनको भी वहाँ पर रख दूँगी, तो कूड़े के साथ ही चले जाएँगे। तो गाइज, आई थिंक कि यूट्यूब पर मैं पहली बार जो है ऐसी वीडियो दिखा रही हूँ। मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी और ने पहले जो है किचन की जो बालकनी होती है उसकी इतनी मतलब ख़राब हालत की जो है वीडियो कभी पोस्ट की होगी। तो मैं पहली बार जो है ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने आज अपना डस्टबिन भी जो है वॉश किया था, तो मैं उसमें जो है बैग लगा दूँगी अपना जो कूड़े का बैग होता है। और यहाँ पर ये मेरी बास्केट है जिसमें मेरे जो है आलू और जो प्याज है वो रखी रहती है, तो मैं आज इसको भी क्लीन कर लूँगी। तो ये भी काफ़ी दिनों से क्लीन नहीं हुई थी और बस इसी चक्कर में क्लीन नहीं हो रही थी कि जब जो है पूरी बालकनी को क्लीन करूँगी तभी इसको भी क्लीन कर लूँगी। तो मैं इसको जो है एक कपड़े से यहाँ पर अच्छे से क्लीन कर लूँगी और उसके बाद जो है इसमें जो मेरे अनियन और आलू जो थे वो उस बैग में थे उन्हें निकाल कर इसमें डाल दूँगी और इसे रख दूँगी किचन में, क्योंकि बालकनी में तो अभी क्लीनिंग हो रही है तो फिर ये जो है भीग जाएंगे तो ये बेकार हो जाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर जो है मेरे दो सिलेंडर रखे हुए रहते हैं बालकनी में, तो उनको हटा दिया है मैंने। और आप देख सकते हैं मतलब उनके नीचे कितनी ज़्यादा जो है गंदगी जमा हो गई है, क्योंकि जो बालकनी है वो ओपन रहती है और मतलब जैसे बारिश का मौसम है तो जितनी भी धूल वगैरह चलती है, हवा चलती है, सारी धूल जो है बालकनी में आती है। और सिलेंडर वगैरह को आप मतलब डेली हटा कर तो क्लीन नहीं कर सकते। और यहाँ पर मेरा डस्टबिन रखा रहता तो ये भी कितना ज़्यादा गंदा हो गया है। तो मैंने आज सोच लिया था कि सबको जो है काफ़ी अच्छे से क्लीन करूँगी। मतलब मुझे खुद को देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरी बालकनी है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी जो है इसे क्लीन कर देती थी। बट इस बार पता नहीं क्यों ये मतलब क्लीन नहीं हो पाई, और मतलब गर्मी भी कुछ ज़्यादा ही हो रही थी तो इस वजह से मैं मतलब टाल ही देती थी। और जैसे कि हाउस हेल्पर भी नहीं आ रही है तो काम भी मतलब लेट हो जाता है, तो बस इस चक्कर में ये क्लीन नहीं हो पा रही थी। बट आज मौसम भी अच्छा था और मेरा काम भी जो है ठीक टाइम से हो गया था, तो मैंने सोचा आज इसको ही क्लीन कर देती हूँ। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर जो मेरे सिलेंडर हैं उनको जो है पानी से वॉश करके रख दूँगी, तो इस पर जितनी भी इन पर धूल वगैरह होगी, डस्ट वगैरह, वो भी जो है अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो मैंने इन दोनों को यहाँ पर अरेंज कर दिया है। वैसे तो हमारी किचन में पाइपलाइन है बट उसका जो फिटिंग है वो बाहर से है, तो सिलेंडर बाहर से ही लगाना पड़ता है, अंदर तो किचन में नहीं रख सकते क्योंकि मॉड्यूलर किचन है, ना ही अंदर कहीं स्पेस है। और अब मैं जो है अपनी वॉशिंग मशीन को हटाकर भी यहाँ पर क्लीनिंग करूँगी। तो वॉशिंग मशीन के नीचे मतलब झाड़ू नहीं लगती है, उसमें जाती ही नहीं है डेली, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जो है यहाँ पर भी डस्ट वगैरह इकट्ठी हो गई है।
तो मैंने यहाँ पर जो है पहले पानी डाल दिया था जिससे कि जितनी भी डस्ट है वो जो है इजीली रिमूव हो जाए। तो बस यहाँ पर मैं झाड़ू की हेल्प से इस सब को हटा दूंगी। और मेरे जो वॉशिंग मशीन का पाइप है वो जो है एक जाली में से होकर जा रहा है, तो उसमें पानी जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो मैंने बड़ी मुश्किल से पहले तो उस पाइप को निकाला और उसके बाद जो है पानी काफ़ी ईजिली चला गया था। और उसके बाद मैंने ग्रिल वगैरह भी अच्छे से क्लीन कर दी है, पानी से धुल दी है, और बस यहाँ पर भी अच्छे से क्लीन हो गया है सब कुछ। और गाइस क्लीनिंग करने के बाद जो खुशी मिलती है, मतलब चाहे आप कितने भी थक गए हों, मुझे इसे क्लीन करने में, वैसे तो छोटी सी बालकनी है लेकिन मुझे इसे क्लीन करने में 1.5 से 2 घंटा लग चुका था, तो थक तो काफ़ी गई थी, बट जब जहाँ आप क्लीनिंग करते हैं वो क्लीन हो जाता है तो उसे देखकर काफ़ी हद तक जो है सुकून मिलता है। तो बस यहाँ पर मैं अपनी वॉशिंग मशीन को भी बाहर से अच्छे से क्लीन कर दूँगी, डीप क्लीन नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर और ज़्यादा टाइम लग जाता। तो मैं बस इसे ऐसे ही वॉश करके इसके प्लेस पर मैं इसे रख दूँगी। और यहाँ पर भी अच्छे से बस मेरी क्लीनिंग हो गई है। अब मैं जो है झाड़ू की हेल्प से जितना भी कूड़ा वगैरह है उसे यहाँ डस्टपैन में उठाकर डस्टबिन में डाल दूँगी। बस इन सब को जो है अच्छे से पोंछ कर रखने के बाद नंबर आता है डस्ट पैन और मेरी इस बकेट का। तो इस बकेट में मैं अपने आरओ का पानी जो है स्टोर करती हूँ, मैं उसे ऐसे ही नहीं बहाती हूँ क्योंकि पानी को स्टोर करना गाइस काफ़ी जो है ज़रूरी है। तो मैं इसमें स्टोर कर लेती हूँ और फिर उसे मोपिंग वगैरह के काम में या बालकनी वॉश करने के काम में ले आती हूँ। और कभी कभी अगर मेरी बकेट भर जाती है तो मैं उसका अपने जो आरओ का पाइप है वो वॉशिंग मशीन में भी डाल देती हूँ, तो उससे पानी उसमें स्टोर हो जाता है और वो फिर कपड़े वॉश करने के काम आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने अपने जो है डस्ट पैन को और बकेट को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। और अब मैं जैसे मोपिंग से मोप जो मेरा मोप है उससे जो है बालकनी में एक बार पोछा सा लगा दूँगी जिससे जो पानी है वो जो है ड्राई हो जाएगा। बट मुझे अभी जो है अपने जो ये मोप है इसे वॉश करना था, तो अगेन जो है दोबारा से पानी हो जाएगा, तो मैंने फिर मोप को छोड़ ही दिया। और बस यहाँ पर अपनी प्याज और आलू की टोकरी भी मैंने रख दी है। और जो है अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पाइप कहाँ से मैंने निकाला था। तो बस मेरी जो बालकनी की क्लीनिंग है वो हो गई है, मैंने पाइप भी जो है उसके प्लेस पर लगा दिया है। तो बस गाइस यही थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। तो मैंने अपनी जो क्लीनिंग कर ली है बालकनी की और इसे क्लीन करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि काफ़ी जो है क्लीन और नीट लग रही थी मेरी बालकनी। कुछ यहाँ पर पॉलीथीन आपको दिखाई दे रही होंगी, तो ये भी वेट थी, तो मुझे इन्हें जो है बाद में हटाना है यहाँ।